राम राम भी सबने, स्वागत है थारो बागड़ो यूट्यूब चैनल में। हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं व्लॉग सुबह शुरू करना भूल गई, अब ध्यान आया कि मैं व्लॉग भी बनाना आज। इत पतो को नहीं अपना आप ही साउंड गायब होगी, तो मैं अलग रिकॉर्ड करके डालने लाग रही हूँ। मैं यही बात बोली है कि HAU जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है एशिया की सारा बड़ी, और भी हमेशा जी तिरंगो लागे डो रहा है, वो तिरंगो ही चेंज को नहीं हो रिपब्लिक डे पर, तो यह बहुत ही मन शर्म की बात लगी। और मैं यही बात बताना चाहूँगी, कल मैं पूरा HAU में घूम के देखियो, मन भी एक भी तिरंगो कौन दिखियो के पतो मैं भी मेरी आँख फूट रही हो, लेकिन जित हमेशा तिरंगो हो जो कि मेरी नॉलेज में हो भी ती जागे देखियो, और वो तिरंगो चेंज को नहीं हो रहे हो, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। रिपब्लिक डे पर वो तिरंगो चेंज होना चाहिए हो। और मैं वीडियो भी डाल रखे थे, वीडियो में देखी भी होगी कि तिरंगो चेंज को नहीं, लेकिन मैं बोलियो अलग लैंग्वेज में हो, मैं अलग रिकॉर्ड कर गई हूँ, खतर डालने लग रही हूँ कि मैं सबने यह बात बता सकूँ कि कल HAU में तिरंगा चेंज नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ इसका रीज़न मुझे नहीं पता, पुराना जो तिरंगा लगा हुआ था वही था और मैंने वही वीडियो बनाई, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आज मेरा डोनेशन वगैरह करने को दिल हो, लेकिन मैं कौन कर सकूँ रिपब्लिक डे पर, तो क्योंकि जो अपने भाभी काम करया करे करा हमेशा वह अपने ही काम करे, और कितने काम भी कौन करे, और भी काफ़ी तकलीफ हो रही है अंगूठा में, अभी एक साइड की सारी बॉडी दर्द करे, और वह बहुत गरीब सी है, बच्चा दिहाड़ी वगैरह करे, तो बन कह दियो कि मेरे इलाज करवा दियो नहीं मैं मरूँ। तो आप डोनेशन वगैरह करने की बजाय मैं सोचो कि क्यों ना आज रिपब्लिक डे पर कुछ अच्छो काम करो जावे, और कहीं मदद करी जावे, कहीं इलाज कराया जावे, तो आप बंगा डॉक्टर चेक करवावा, सिटी स्कैन MRI वगैरह जो भी करवाई जो भी हो सारी रिपोर्ट करवावा, और रिपोर्ट कराने के बाद मैं डॉक्टर के बतावा कि कौन ही देखा, ऑपरेशन करवावा कि एडमिट करवावा कि, क्योंकि बहुत बार भी अंगूठा को ऑपरेशन हो चुके हैं, अंगूठा में प्रॉब्लम है और अंगूठो कट भी चुके हैं, तो अभी मन कोई आइडिया को नहीं। एक बार मैं CMC में जूँ तो डॉक्टर वगैरह पूछूँ मैं भी किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट चले, फिर कोई और जगह पतो करो अच्छो डॉक्टर, तो अभी तो आप ट्रीटमेंट करावांगा, तो देखा। और आज मैं पापा वाली गाड़ी लेके आ रहा, क्योंकि वरना एक बार ऑटो मार्केट भेजी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वह एजेंसी में जाओगी अगर क्रूज़ मिल गई तो, बट क्रूज़ आने कौन लग रही, तो बिंगी वजह मैं वह गाड़ी भी कौन देने लग रही, और बार बार फ़ोन भी आने लग रही हो एजेंसी आने को कि भेज दो भेज दो भेज दो, तो मैं एक बार कौन भेजने लग रही, क्योंकि मैंने एक गाड़ी तो चाहिए और ही खातर मैं पापा वाली गाड़ी भी मंगवा रखी है। तो चलो एक बार CMC पतो करा पहला भी के दिक्कत है के दिक्कत को नहीं, और फिर भी रिपोर्ट वगैरह करवाऊँगा ट्रीटमेंट करवाऊँगा, तो आज के दिन आप यो ही काम कराऊँगा तो थे देख दारो देखा की बताई की कोनी, बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है भाभी, और अपना फर्ज बने कि आप बाबा खातर कुछ करा, तो भी भाई भाभी बैठी CMC कन, और CMC में कोई ट्रीटमेंट सॉल्यूशन मन दिखे को नहीं, क्योंकि जी डॉक्टर ट्रीटमेंट चलने लग रही, एक बार आप भी डॉक्टर कन चलांगा और पतो करांगा कि के प्रॉब्लम है, भी डॉक्टर ही पूछांगा रिपोर्ट वगैरह, क्योंकि नए नए डॉक्टर दिखाऊंगा कोई फायदा को नहीं, दवाई चल रहा है मनदीप हॉस्पिटल, तो अभी तो महेंद्र डॉक्टर है भी, वो बात करांगा और पूछांगा कि के प्रॉब्लम है के कोनी क्यों आराम को नहीं होना, क्योंकि बोर्ड डॉक्टर का दिखा लियो सिचुएशन जो है बिचड़ रही है, तो एक बार अगर डॉक्टर कई सारी रिपोर्ट वगैरह करवानी है तो आप रिपोर्ट वगैरह करवावा, और फिर हॉस्पिटल वगैरह देखा भी कौन सा हॉस्पिटल में बेस्ट रहे, क्योंकि 2-3 में पतो कर रखे हैं, तो देखा टेंशन ना ले भाभी ठीक करावा तन बलो के पेंडो छुटे तन तो बपरावा कोई चिंता को मनदीप हॉस्पिटल जिंदल रोड पर है आगे, मैं काली देखियो आई जद, तो भाई मैं कपड़ा कपड़ा चेंज करके आई और आप वीडियो वीडियो बनाई ली रिपब्लिक डे की, और आज रिपब्लिक डे पर वो काम चलने लग रही है, देखा ये पर सारा हॉस्पिटल ही पर ही है। अभी आप वरदान हॉस्पिटल में आए हैं, क्योंकि ये हड्डिया को स्पेशलिस्ट है, और अमनदीप में जो दिखा रखे अब वो हड्डिया वगैरह का कोई ऐसा डॉक्टर को नहीं, ऑर्थो डॉक्टर ने दिखाना जरूरी है, तो मैं एक बार वरदान में आई लेगी OPD वगैरह कटवावा, और ये डॉक्टर थोड़ा नोन है अपना, तो पहला हूँ पूछांगा कि प्रॉब्लम है के को नहीं, ठीक है। यहाँ से करने से करंट लगता है क्या, करंट लग रहा है यहाँ पे, कहाँ से कहाँ जा रहा है करंट, और तो करंट जावे नहीं, हाँ तो ये नसों की प्रॉब्लम है जी, और फिर प्रॉब्लम है।
व्लॉग से प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर? यूट्यूब पे जाता है व्लॉग मेरा, बना दो। थैंक यू। ये अपने वरदान हॉस्पिटल के डॉक्टर है और मुझे लेटेस्ट अभी पता चला है कि हमारे गांव से रिलेटेड रिश्तेदार ही निकल गए। तो भाभी इनको दिखाने की बजाय जगह जगह क्यों घूम रहे हो? घर को बेदी लंका डायक रहे यही बता सकते हैं जो है। तो ये ऑर्थो डॉक्टर है भाई, मैंने रेफरेंस लिया महात्मा गांधी से, बहुत अच्छे डॉक्टर बता रहे हैं, आप भी विजिट कर सकते हो कोई आइडिया रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो। अब डॉक्टर क्या लगता है इनका समाधान हो सकता है जो प्रॉब्लम है? एक बार ब्रेन मॉड्यूलेटर्स देते हैं। ब्रेन मॉड्यूलेटर इनकी जो, अगर आपको लगता है कि सीटी स्कैन है, एमआरआई कुछ भी कराना जरूरी है, रिपोर्ट आएगा, किसी रिपोर्ट में कुछ नहीं आने वाला, मतलब कोई रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, फैंटम पेन सेंसेशन है। तो फिर बस एक बार ये ब्रेन मॉड्यूलेटर देते हैं, इसके बाद ठीक नहीं हुआ तो टेंस, और टेंस से ठीक नहीं हुआ तो आरएफ, ये तीन ही मॉड्यूलिटीज हैं। टेंस मेरे को खुद ही नहीं समझ आया, बता दूंगा आपको क्या होता है, मतलब वो ट्रीटमेंट लंबा चलेगा इनका? हाँ, लंबा चलता है। उनसे संभावना है कि इनको आराम हो? हाँ, उसे 99% चांसेस है कि ठीक हो जाए। दोबारा ऑपरेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि अंगूठा निकालना पड़ेगा जो इनको वहम हो रखा है पूरा? निकाल लो, ये ठीक नहीं होने वाला, ये बेसिकली नर्व्स प्रॉब्लम है। ओके, अंगूठे की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब यह तेरा प्रॉब्लम इतना ज्यादा होने लग रही है भाभी, ना कि तेरे ये चीज हो, क्योंकि तू इतनी बार ऑपरेशन करवा चुकी है इनको, तो मेरे हिसाब से काफी मसल्स तो डेड हो चुकी है इनकी। हाँ, यो बेबी एक्सरे होगा वो, और अगर ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा बताई है, शायद कोई नस वगैरह डैमेज हो चुकी है, तो एक बार भी चेक कराऊंगा और फिर पता चल लगेगा अंग बीमारी की है कि नहीं, और फिर ट्रीटमेंट शुरू होगा वो। तो कोई और डॉक्टर रेफरेंस दे अच्छो कि जड़ा अपनी जानकारी है जी, तो आप जाना भी तो दिखावा, क्योंकि भी बहुत अच्छी डर देखेगा। तो भाई कोशिश है भाभी ठीक करा दें आप, और अपना ब्याह तो टांटिया वर्गी हो जाए टनाटन, क्योंकि मेरे लिए ब्याह दिन गणा दूर को नहीं। कदे भी गुड न्यूज़ मिल सके थाने तो ये देखे देख रुक तो। तो भाभी ठीक कराना है भाई, 6 महीने साल में घर का मेरी रान काट भी देगा, और बार एक महाराज जी 20 रुपये में टिक्को लगा दियो। 20 रुपये में टिक्को लगाई है तेरे? 20 रुपये। तो भाभी को ट्रीटमेंट कराऊँ भाई, देखा जो भी है, मैं डॉक्टर ने कह दियो खर्चों वगैरह जो भी है सब कुछ मैं करूँगी, भाभी ठीक करूँगी। यो भाई एक्सरे हो वही और रेडिएशन निकड़ा है, तो ठीक को नहीं अपनों रहनो, वैसे तो प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी आपा भी क्यों रहा, सो रेडिएशन बीमारी लिकड़े यो हो गया भी एक्सरे देख लियो, ऐसे होता है यहाँ एक्स्ट्रा बा चला दी मशीन। भाभी चोटी को बाड़ांगी बजी वाण कौन लाग रहे भाभी तेरो एक्सरे? हाँ जुड़ेगी वजह खराब होने लग रही। क्लियर है या नहीं? अच्छा पूरा ब्रेन का नहीं लेना था क्या पीछे से? ब्रेन का थोड़ी सर्वाइकल स्पाइन जो अपनी ये होती है ना पीछे, ये होती है। हाँ 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 ब्रेन का था। ओके, वैसे तो हॉस्पिटल में व्लॉग बनाने की परमिशन को नहीं होवे, बट अपनी रिश्तेदारी या जान पहचान है पापा बनावा कि मैं थाने दिखा सकूँ कि पूरा प्रोसेस के ऊपर आने लग रहे हुए, और पूरी पूरी कोशिश है भाभी ठीक कराने की, पूरा अच्छे तरह इलाज कराने की। यूँ भाई भाभी ये दूसरे एक्सरे है जो प्रॉपर चलने लग रही है साइड को, इनकी रेडिएशन प्रेगनेंसी में तो हानिकारक होती है, वैसे तो नहीं होती ना? वैसे तो नहीं होती ना, वैसे भी होती है तो सेफ्टी जरूरी है। अब जैसे कितनी दूरी पे आती है? अरे माता का झटका आ गया भैया, फिर तुमको भी आ गयो, अभी दोबारा करना पड़ेगा? नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तो मैं वो गले भी करना पड़ेगा दोबारा, और करना पड़ेगा कान का भी दोबारा करना, कान वाला काट दो। ये देखिए आ गया ना, 3 बोन नहीं दिख रही है,
एक्सरे ज्वेलरी वगैरह होनी नहीं चाहिए काटिए सोने का कोनी है बाकी कला चोटी की भाई ओए तो आर्टिफिशियल अब कानाडा कटवावा आर्टिफिशियल हो गई मका हां नकली है नकली है सोने वाला कोनी सोने का कोनी अब ये तो ये मीडिया में डाल दे गया इधर के सारा पक्का पत्थर का हो गया नहीं यूट्यूबर अभी भाभी का प्रॉब्लम आई है गर्दन में एक हड्डी है जो एक्स्ट्रा है एक बार दवाई वगैरह ट्रीटमेंट चल लगो अगर भी और आराम नहीं होगा तो फिर वह निकलवानी पड़ेगी ऑपरेशन होगा मुझे आयुष्मान कार्ड चल जाएगा तो अभी मम्मी आपको भाभी ने दवाई दिला गए और ये दवाई लेने लग रही है भाभी सारी दवाई दवाई बता गई और फिर अंकित छोड़ गया आई और मैं घर आ जाऊँ भाभी ने भेज दियो और अभी आई हूँ मैं वॉलमार्ट पर सामान लेने खातर क्योंकि मम्मी नानका जी गूंद वगैरह काटने खातर तो दैट्स वाई टोकरी ले ली और गूंद खांड खुंड लेनो है अब सारा सामान ले लियो और मैं आगे बढ़ना और ड्राइवर गाड़ी दे गई हो मैंने तो अभी आप जहाँ घर है और सामान रखवाने लग रही हूँ मैं वॉलमार्ट से सामान ले रही है गूंद वगैरह लियो फिर मैं सोचो घर को सामान भी काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं वो भी ले लूँ तो मैं वो भी ले लियो और इतमन मिल गया फ़ैन जो मेरे बराबर गाड़ी रोक ली फैमिली पूरी कहा तनु मैं मम्मी बोली हाँ कतर व्लॉग देखा हमें मैं थैंक यू दो क्यूट क्यूट सा बच्चा भी अगर थे यो व्लॉग देखो तो थैंक यू सो मच लेकिन रोड पर ट्रैफिक लागो जब मैं थन टाइम कौन दे पाई सॉरी और बस अभी आप चल लाँ घर है सामान लियो ले सारो और ऑटो मार्केट ड्राइवर मन गाड़ी दे ही गयो अभी घर जा और फिर देखूँ मैं के विचार है एक बार ऑटो मार्केट भी भेजूँ कितने चेक करवाऊँ कि क्रूज कद मिलेगी कद कोनी क्योंकि यह भेजनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मिसिंग मारेंगे इंजन की प्रॉब्लम सोल्व कोनी हुई और फिर बीमा कंपनी को बात करके इनको और भी काम करवाना है जो अपने जीरो डेफ्ट वारंटी में तो सामान रखना है अभी आप चल ला करें बिल्लू की दुआई दिला दी भाभी ने राम राम भी तो मैं आगे कपड़ा चेंज कर लिया और मैं व्लॉग कंटिन्यू करना भूल गया अभी मैं बनाऊँ रोटी और ये बनन ला रही है चटनी और मम्मी पापा गया दिखाऊँ मैं थाने रुक जाओ जान लाग रही है अबे मम्मी पापा जय नानक के काट लिया माँ हाँ थार खतर खावागा पिंडिया गूंद का गदर पाके हाँ मैं बनाऊँ रोटी आटा बात हो रही और सीधी बाहर आ गई गैस बंद कर आई हूँ मैं मान ले जखा और गूंद गूंद का लिया गदर पाक की लिया तो देख ले वहाँ पिंडिया लिए मन कौन था गाजर पाक अगर मामा काट डो तो लगा ले 5-10 किलो की को दूध को काट ली बस आए न जा सी सब ने दिखा तो आ तब भी कोने आओगी काश में अब मम्मी बापू जय भी नानके बाय मम्मी बाय मैं रोटी पकड़े मैं जू ए थाई कर आई सास कर अंकल की तो जा रही है बाहर ठीक है और मम्मी पापा जा रहे हैं नानके और मैं बैठी हूँ एकली बोर हूँ ला रही हूँ फ़ोन चला चला के भी थके दाल बना ली ठीक है रोटी अभी लेट खाया आज मैं दिन में 3-4 बजे सी क्योंकि दिन गए मैं बाजरी की रोटी चूर के ठोक ली दही तो मन भूखी करने लगी तो बोर होगी मैं जब मैं सोचा मैं थन बता दूँ कि मैं बोर होगी ठीक करो नहीं बाकी थे नहीं चैनल सब्सक्राइब कर करो सारा चैनल देखो विता चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो वीडियो ने कमेंट भी कर दिया करो घना सारा और शेयर भी कर दिया करो ठीक है मैं तो रेड़ी बकूँ थे मन के देखो और मैं एक बात बताऊँ तड़के मन कौन था तड़के की कौन और के देखो मैं बोर हो रही हूँ मैं तो रिपब्लिक डे पर ओ करियो आज भाभी को ट्रीटमेंट करवायो अच्छी दवाई दिराई थे के करियो रिपब्लिक डे पर मन बताइयो कमेंट करिए ठीक है और अभी मैं रोट रोटी बनाऊँ और बच्चे मैं रंग की थोड़ी देर लड़ाई करा और फिर मैं बच्चे सो जा और मम्मी पापा शायद तड़का आई के परसों आई गूंद का पिंडिया काट लिया गूंद खाओ मिला गए और शायद गाजर पाक भी तो मेरे तो रुकी नहीं कौन आ रही मैं खा के पहले ही पड्डो हो रही हूँ मैं के ताऊ तारे मैं फुल मोटी होने को चाव चढ़ रही फुल मोटी अब मैं एक भैंस पर गई हूँ फिर मैं जिम मारूँ मैं देखना मैं कितनी मोटी हो उसको 65 किलो वजन हो 70 किलो हो मैं ज़्यादा हो जी 70 तो को जिला को नहीं
मन कमेंट करके बताइयो मैं जिम ज्वाइन कर लूं या फिर मैं मोटी सुनी लागू गोलड़ गोलड़ सी थाने। ठीक है बोलोगे? चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलियो और वीडियो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दियो। लव यू गाइस।